अस्सलाम वालेकुम जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। हेडलाइंस की हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और 80% ऑफ द टाइम 8 out of 10 पीपल आपकी हेडलाइन रीड करते हैं। सिर्फ 2% और 2 लोग होते हैं 10 में से जो आपके बाकी कंटेंट को भी रिवील करते हैं। आपकी ट्रैफिक 500% तक, 500 गुना तक वेरी कर सकती है, बढ़ सकती है या कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसी हेडलाइन लिखी। तो हेडलाइन अच्छी कैसे लिखते हैं, अच्छे टाइटल्स और सब टाइटल्स, हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत जरूरी बात है, मैंने आपको बताया 80% ऑफ द वर्क ही जब ये है तो वाई नॉट के इसको सही तरह सीखा जाए, इनकी ऑप्टिमाइजेशन को और इनको लिखने को। इसलिए कंप्लीट क्लास है इसके ऊपर। और नंबर वन थिंग है, स्टेप नंबर वन, जब आपने हेडलाइन लिखनी है तो स्पेसिफिक नंबर्स और डाटा लिखना है अपनी हेडलाइन के अंदर, ठीक है। कुछ फैक्ट इंक्लूड किया हुआ है स्टैट डेबरा जॉनसन के मुताबिक, नंबर होते हैं वो ब्रेन कैंडी की तरह वर्क करते हैं। इंसान का जो दिमाग होता है वो नंबर्स को, लॉजिक को, डाटा को ऑर्गेनाइज, क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जो डाटा को रिसीव करती है तो उसको ऑर्गेनाइज करना चाहती है, उसको प्रेफर करती है कि उसको ऑर्गेनाइज स्टेट में डाटा मिले और वो उसको ऑर्गेनाइज करके ही डब्बों में, खानों में, रेलिवेंट सेक्शंस में स्टोर कर दे। तो नंबर्स से क्या होता है कि ब्रेन को आसानी होती है, उसको अच्छा लगता है, उसको मजा आता है जब उसको कोई नंबर्स वाली डाटा या फैक्ट्स या कोई स्टेप्स मिलते हैं, 5 steps टू डू समथिंग, तो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि वो कहते हैं कि यार ये मेरे लिए आसान है, सही है। सो दे आर एडिक्टिव टू आवर माइंड, और हमारा ब्रेन जो है इट कांट गेट इनफ ऑफ इट। ये कुछ सोशल शेयर्स भी आप देख सकते हैं, और 30% वो कॉन्टेंट रैंक करता है जिसके अंदर नंबर इंक्लूडेड हो, यानी 30 ways टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल, 30 ways नंबर है ना। अब वो जैसे उसने आगे भी दिखाया हुआ है कि कैसे परसेंटेज कम होता जाता है, अगर हम रीडर को एड्रेस कर रहे हैं वो 21% है, वेज यू नीड टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। अब इसमें से हमने 30 का लव्स निकाला सिर्फ, तो 36 से 21% पे आ गया। अब अगर हाउ टू में हम इस टाइटल को देखें, हाउ टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल 17%, अगर हम नॉर्मल रखें वेज टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल 15%, अगर क्वेश्चन में इसको रखें व्हाट आर द वेज टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। अब ये एक ही टाइटल है लेकिन उसको डिफरेंट तरह से लिखने से हमें पता चल रहा है कि उसका सोशल शेयर्स और उसकी परसेंटेज कितनी चेंज हो रही है, इंगेजमेंट कितनी चेंज। सो हमने कोशिश करनी है हम नंबर, हमारे एक अच्छी हेडलाइन वो है जो इसके अंदर कोई हम नंबर ऐड करें, और नंबर हमेशा डिजिट में यूज करना है, ठीक है। जैसे 7, सो यू हैव टू राइट नंबर 7, SEVEN 7 नहीं लिखना, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है कि जब भी नंबर लिखना है उसको डिजिट वाइज लिखना है, 1, 2, 3, लाइक हम कहें जी 3 ways, सो 3 ways ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना 3 ways। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास नंबर, बेटर होता है वर्ड से हमेशा, स्मॉल नंबर्स मोर डाइजेस्टेबल। अगर हम किसी को कह रहे हैं जी 7 ways टू गेट रिड ऑफ एक्नी, तो ये पॉसिबल है, वो 7 ways फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे कहें कि 17 steps टू गेट रिड ऑफ एक्नी, तो 17 उसको ज्यादा लग रहा है यार, ठीक है। सो स्मॉल नंबर्स, इसी तरह 70 से 17 छोटा है तो 17 बेहतर है, स्मॉल नंबर मोर डाइजेस्टेबल होते हैं। ऑड नंबर्स ज्यादा ऑथेंटिक समझे जाते हैं इवन नंबर्स, यानी 2, 4, 6, 8, 10, अगर हम इवन नंबर्स अपनी हेडिंग में डालेंगे तो उसको इतने सोशल शेयर्स और एंगेजमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम ऑड नंबर्स डालेंगे तो वो रैंक करेंगे। ये एक ऑड रीजन है, आई डोंट नो ह्यूमन साइकी की, लेकिन हम ये बस फीड को देख लेते हैं, बस फीड के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं टाइटल्स जिनमें ऑड नंबर्स हैं, 13, 73, 11। सो ऑड नंबर्स आर बेटर देन इवन नंबर्स जब हमने टाइटल बनाना है। सो अगर हम 4 tips लिख रहे हैं तो कोशिश करें 5वीं भी ऐड कर दें ताकि आप ऑड नंबर में रहें, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो हमारा ब्रेन है वो ऑड नंबर्स को ज्यादा बिलीव करता है और इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो उन्होंने टेस्ट भी की, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी हेडलाइन, और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने इवन नंबर की बजाय 7 का वर्ड अपने टाइटल के अंदर लिखा तो उनके क्लिक थ्रू रेट्स 20% इंक्रीज हो गए। ये भी उन्होंने सर्च करके देखा कि SEVEN 7 लिखें या नंबर 7 लिखें तो 7 नंबर जो है वो ज्यादा अपील करेगा और ज्यादा उस पर क्लिक हमें आएगा, ज्यादा लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ेंगे। अगर हम कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख रहे हैं तो फिर हमने 9 से ज्यादा स्टेप्स उसमें नहीं डालने, ठीक है, 9 से ज्यादा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि 10 से ज्यादा चीजें, 9 से ज्यादा, जब 10 में 2 digit में चली जाएगी तो उसको मुश्किल लगेगा। तो कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख रहे हैं, कोई इस तरह के ट्यूटोरियल्स लिख रहे हैं तो उनको
सेवन स्टेप, फाइव स्टेप, सिक्स स्टेप, एट स्टेप, लेकिन अगर हम कोई टूल्स लिख रहे हैं लाइक फ्री टूल्स हैं या डिफरेंट वेज टू डू द सेम थिंग, तो उसमें हम बेशक 100 फ्री टूल्स भी दे दें, वो किसी को बुरे नहीं लगेंगे।